पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा पर जमकर सियासत हुई। बीजेपी ने मतदान के दौरान हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा और पूरे मामले की शिकायत करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल की तादाद बढ़ाने की मांग की। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि सभी बूथों पर, सभी जगहों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो, जिसके बाद टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा। टीएमसी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए उसके बीजेपी के समर्थन में काम करने का आरोप लगाया। केंद्रीय बल वो लोगों को डरा धमका रही है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। साथ ही बीजेपी के खिलाफ अपने आरोप साबित करने के लिए टीएमसी ने मीडिया के सामने राज्य की आसनसोल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो का एक वीडियो भी दिखाया। बाबुल सुप्रियो आसनसोल में अपना बूथ पे जा करके ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो जितना भी ऑफिसर्स है, वो लोग को धमका रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले को जबरन तूल देने का आरोप लगाया। उनकी दाल नहीं गलने वाली है बंगाल में और इसीलिए वो हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान के दौरान कई जगह हिंसक झड़प हुई।